हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन इंडियन ट्रेवलर। दोस्तों आज हम आए हैं संत श्री गुरु रविदास जी के मंदिर के एक नए लंगर हॉल, जो नया वाला लंगर हॉल बना है मोदी जी के द्वारा। तो उस लंगर हॉल को आपके उस लंगर हॉल तक आपको विजिट करने के लिए लेकर आए हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। द्वारा बनवाया गया था, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। हॉल है दोस्तों बहुत ही खूबसूरत तरीके, जैसे पुराना वाला हॉल है उससे भी खूबसूरती के तरीके से इसको बनाया गया है। ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। नीचे भी मैट दरी वगैरह लगा दिए गए हैं और ऊपर भी दरी मैट लग रहे हैं। तो जैसा कि सब लोग आएंगे, तो मतलब यात्री आएंगे, तो इसी लंगर हॉल में रुकेंगे, बैठेंगे और जयंती तक इसी में रहेंगे, और फिर जयंती के बाद यहाँ से रवाना होंगे पंजाब के लिए। जैसा कि देख पा रहे, ये नया वाला लंगर हॉल है और इसमें जो पंजाब से लोग आ रहे हैं उनके रुकने के लिए इंतजाम किया जा रहा है। ये ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबको अन्न, छोटे बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। कुछ इस तरीके से रविदास जी की वाणी, हर किसी को समान रूप में देखना चाहते हैं। और ये नीचे का कुछ हॉल है, इस तरीके से आपका दिख रहा है। इसमें मैट वगैरह लग गए हैं और ऐसे ही मैट सेम ऊपर लग रहे हैं। और ये कुछ इस तरह से दरबार आपको दिख रहा है। इसमें सोच है रविदास जी का, खुद का रचित, खुद एक रचयिता भी थे और समाज सुधारक भी थे। तो इस तरीके से उनकी कुछ पद आपको यहाँ देखने को मिलेंगे इस नए वाले लंगर हॉल में, जो कि बहुत ही सुंदर और अलौकिक दिखता हुआ आपके सामने। श्री संत गुरु रविदास जी का बहुत ही सुंदर पेंटिंग दिखता हुआ, जैसा कि देख पा रहे हैं आप लोग, बहुत ही सुंदर और प्यारा। दोस्तों उनका कुछ वाणी है और इधर भी है। दोस्तों हर खिड़की के ऊपर आपको ये उनके वाणी पढ़ने को मिल जाएंगे, उनकी शिक्षा जो कि दीवार दीवार पे लगा दी गई, छपी हुई है, आप लोग इसे देख सकते हैं। उनके वाणी को कुछ इस तरह से दिख रहा है, पीछे का भी बहुत ही सुंदर शानदार। और ये सामने आपके शौचालय है महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए, अलग अलग शौचालय है। और ये ओवरव्यू हम आपको लेके चलेंगे ऊपर। ऊपर अभी दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस चल ही रहा है, जैसा कि देख पा रहे हैं आप लोग। सारे साफ़ सफाई अभी फिनिशिंग के काम बाकी रह गए हैं, अभी वो सब हो रहा है धीरे धीरे, और थोड़ा बहुत जहाँ जहाँ बाकी है वहाँ भी हो जाएंगे। इसे तैयार किया जा रहा है और जो कुछ हो पाएगा, जितना हो पाएगा उतना इसमें प्रक्रिया चलेंगी। ये सेकंड फ्लोर है और सेकंड फ्लोर का हॉल कुछ इस तरह से हॉल दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत और अच्छा, जैसा कि देख पा रहे हैं हॉल बहुत ही खूबसूरत ढंग से इसे बनाया गया है। ये आपके सामने सेवादार मैट वगैरह कुछ लगा रहे हैं इस पे। दोस्तों अभी इस जयंती को लंगर तो नहीं चल पाएगा, फिलहाल जो अभी यात्री आ रहे हैं पंजाब से स्पेशल ट्रेन में श्री निरंजन दास जी के साथ, तो वो लोग आके इस जो ये बिल्डिंग है, ये अभी जो भवन है, इस भवन में आके रुकने का इंतजाम किया जा रहा है कुछ इस तरीके से। क्योंकि बहुत पूरी एक ट्रेन की ट्रेन पंजाब से आ रही है, तो उनको रुकने के लिए तो जगह तो चाहिए, तो इस तरीके से यहाँ उनको रुकने के लिए यहाँ इंतजाम किया जा रहा है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। नीचे भी है, ऊपर भी है ये हॉल। ये आगे आपको शौचालय दिखेगा महिलाओं के लिए, आगे है, और इधर पुरुषों के लिए। हमारे बालकनी से कुछ इस तरीका का नज़ारा आपको देखने को मिल जाएगा सामने बालकनी के नीचे से। ये लंगर हॉल कुछ इस तरह से दिख रहा है,
और इसमें जो यात्री आ रहे हैं पंजाब से जलंधर, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है आपको लंगर हॉल, और यदि आप आ रहे हैं तो आप आके यहाँ विजिट कर सकते हैं, इस लंगर हॉल को देख सकते हैं जैसा कि बनाया गया। अभी इसमें लतर वगैरह झालरें लग गई हैं, तो लाइटिंग रात के समय देखने में आपको बहुत ही खूबसूरत देखने को मिलेगा। अभी हम आपको रात को भी दिखाएंगे, हमारे चैनल पर बने रहिए, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, नए लंगर हॉल के बगल में ये जो आप पंडाल देख रहे हैं, तो ये स्पेशल गाड़ी के यात्रियों के लिए ये कुछ इस तरीके से बनाया गया है। तो उसमें भी पूरे नीचे और ऊपर पूरे ट्रेन के यात्री उसमें भी रुकेंगे उस हॉल में, और बाकी जो बच जाएंगे वो इस हॉल में आके रुकेंगे। जैसा कि ये आप देख पा रहे हैं, बहुत से भजन कीर्तन के लिए जहां बाबा जी आके यहां बैठेंगे, तो 16 तारीख को तो भजन कीर्तन के लिए यहां कुछ इस तरीके से स्टेज बनाया जा रहा है, जो कि बहुत ही दोस्तों ये जो स्टेज था सज चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, श्री गुरु रविदास जन्म स्थान पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। यहाँ दोस्तों पब्लिक आती है, बैठती है, और जैसा कि देख भी पा रहे हैं, और सामने स्टेज पर गुरु निरंजन दास जी बैठेंगे और सभी श्रद्धालुओं को जो भी आएंगे उनको दर्शन देंगे साक्षात आपके सामने। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, सारे सेवादार सेवादारी के लिए लाइन लगाकर लोगों को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शांति तरीके से उनको वहाँ तक बैठाने का कार्य कर रहे हैं। और सामने ये जो भीड़ आप देख पा रहे हैं, करीब करीब लाखों की भीड़ इस ग्राउंड में इकट्ठा हो जाती है।